प्रभुनाथ की अनंत जी की रिहाई नहीं होती है तो वादा है इससे भी बड़ा उद्घोषण हर जिले में बिहार के हर जिले में मतदान सही किया जाएगा। अनंत की भी रिहाई करना चाहिए, वो भी निर्दोष है, वो भी निर्दोष है, उनको भी फंसाया गया है। सभी लोग कह रहे हैं, जदयू कह रहा है, भाजपा कह रहा है, राजद कह रहा है, देश कह रहा है, राज कह रहा है, जिला कह रहा है, तो आखिर किसकी है जेल में? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आनंद मोहन की रिहाई के बाद अब बिहार में माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि बाहुबली प्रभुनाथ सिंह और बाहुबली अनंत सिंह की रिहाई को लेकर भी मांग बहुत तेज होने लगी है। आपको बता दें कि आज छपरा में महाराणा प्रताप की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जिसमें प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर सिंह थे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने साफ साफ इस बात को कहा कि उनके बड़े पापा प्रभुनाथ सिंह किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं है। साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि अनंत सिंह भी कसूरवार नहीं है, इसीलिए इन दोनों की रिहाई होनी चाहिए। और ये तक बात कह दी कि अगर इनकी रिहाई नहीं होती है तो बिहार में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्या कुछ कह रहे हैं प्रभुनाथ सिंह के भतीजे, सबसे पहले आप वो सारी बातें सुनिए। बड़े भाई है, चाची है, बहुत सारे मित्र लोग, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। एक बार आप लोग बस यही कहूंगा कि आप लोग अगर लगता है कि मेरे बड़े पिताजी ने आप लोगों के लिए कुछ किया था, आपके समाज को आपको मान सम्मान दिलाने के लिए कुछ किया था, तो एक बार दोनों हाथ उठाकर उनकी रिहाई का मांग कर दीजिए। मुझे लगेगा कि मैं उस खानदान से आया था, आप लोगों ने मुझे सम्मान दे दिया। मुझे लगेगा कि आप लोगों ने प्रभुनाथ बाबू को सम्मान दे दिया। हर सुख दुख को हम लोग काटने के लिए तैयार है। तो बीतू भाई समाज का आवाज उठाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, छोटा भाई है और मुझे लगता है कि आप दिल में बसे हैं। आपको जब भी जरूरत पड़ेगी एक बार बड़े भाई को जरूर फोन कीजिएगा। हम जैसी भी स्थिति में होंगे आपके साथ खड़े मिलेंगे और 100% खड़े मिलते हैं मेरे भाई लोग से। क्या भाई, आप लोग जहां को बांटते हो मैं खड़ा मिलता हूँ। आप लोग अजान करते हो तब, जब कराते हो तब, जहां मिलते हो, जहां कहते हो, तुझे फिर आप लोग के साथ खड़ा मिलता हूँ। मैं वादा मनीष भाई के फोन पर बैटरी कटा पाई बने और बैटरी साफ जब हुई हमने के चार्ज में लगा दे बैटरी चार्ज कर दे सर। और राणा भैया बड़का बाबू जी का डिमांड हम राणा भैया के रामजयपाल कॉलेज में जब मीटिंग होता है तो बड़का बाबू जी के मंच से हम देख ले रहे। हम सब लोग पहचाना था और सब लोग के सामने जे जहाँ बाटे भगवान सब लोग को सुखी रखस। और बस यही कारण कि हमने के इकट्ठा रहे सब, तो हमने के समाज के नाम हुई और हमने के एकता में बल मिली और हमने एक भाईचारा के संदेश देवल जाओ। और जब हमने एक होकर आवाज उठाए तो भगवान के दरबार में भी आवाज उठी कि सरकार का चीज जरूर निकल के आई। धन्यवाद। भैया जो बोले हैं कि जो भी प्रभुनाथ चाचा जी के लिए मानते हैं और जिनको लगता है, तो एक बार सब लोग हाथ उठाइए। आनंद मोहन की रिहाई प्रभुनाथ सिंह की क्यों नहीं? तो जो भी लोग चाहते हैं कि शेरे पूर्वांचल, शेरे छपरा, प्रभुनाथ सिंह जी की रिहाई हो, एक बार जोरदार हाथ उठा के समर्थन करिए। आप सभी भाइयों को बहुत बड़ा, अगर प्रभुनाथ की अनंत जी की रिहाई नहीं होती है तो वादा है इससे भी बड़ा उद्घोषण हर जिले में बिहार के हर जिले में मतदान सही किया जाएगा। अनंत की भी रिहाई करना चाहिए, वो भी निर्दोष है, उनको भी फंसाया गया है। सभी लोग कह रहे हैं, जदयू कह रहा है, भाजपा कह रहा है, राजद कह रहा है, देश कह रहा है, राज कह रहा है, जिला कह रहा है, तो आखिर खींचती है जेल में क्यों? वो आएंगे तो आप सबको इकट्ठा कर देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बाहर करना चाहिए। तो आपने प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर सिंह को सुना कि किस तरीके से अनंत सिंह और प्रभुनाथ सिंह की रिहाई को लेकर मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर रिहाई नहीं दी गई तो बिहार में आंदोलन भी किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि वहां पर बीजेपी के कुछ विधायक मौजूद थे और उन्होंने भी इस बात को अपना समर्थन दिया। देखना है किस तरीके से जब अनंत सिंह और प्रभुनाथ सिंह की रिहाई को लेकर मांग तेज हो गई है तो ऐसे में बिहार के राजनीतिक गलियारे में इससे क्या हलचल मचती है। बाकी के तमाम वीडियोस के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।